वायव्य बोलते हैं इसको, वायु की दिशा। इसमें इधर वाली भूमि ये भी बहुत बुरी होती है और इधर वाली भूमि ये भी अच्छी नहीं होती है। नॉर्थ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि शास्त्रों में, शास्त्र कहने का मतलब है जितने भी इस पे 8, 10, 15, 20 पुस्तक हैं, जो पुराने पुस्तक हैं, नए पुस्तक हैं, जो भी आप पढ़ लेंगे इस पे, उनमें आपको नॉर्थ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि में कुछ कुछ चीजें अच्छी दिखाई देगी कि ये लोग इमोशनल होते हैं, परिवार में ठीक से रहते हैं, माता से इनकी बनती है और इसी टाइप की चीजें इस बढ़ी हुई भूमि में। मगर इस बढ़ी हुई भूमि में, ये जो बढ़ी हुई इधर की तरफ बढ़ी हुई भूमि होती है, जो वेस्ट की तरफ बढ़ी हुई भूमि होती है नॉर्थ वेस्ट में, ये बहुत ही बेकार किस्म की भूमि होती है। जितने भी घर के मेंबर होते हैं एडिक्शन में जीते हैं, किसी न किसी एडिक्शन में जीते हैं, नशे की लत लग जाती है, इस टाइप की चीजें उनमें होती होती है। लड़ाई झगड़ा भी देखा गया है बहुत जगह पे, इस टाइप में होता रहता है। लती होते हैं जो एडिक्शन जो पाई जाती है ना, नशे की लत जो पाई जाती है, किसी भी तरीके का नशा हो, और बहुत तरीके का नशा करते हैं ये लोग। अगर कुछ नहीं मिलता तो मोबाइल का ही नशा कर लेंगे, मोबाइल को नशे के रूप में लेंगे, इनको नशा चाहिए, ये शांत नहीं बैठ पाते। अब यहां से हम शास्त्र में भी अगर जाएंगे ना, तो वहां से वायव्य कौन है, चंद्र इसके स्वामी होते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट के स्वामी होते हैं चंद्र, और ये मन का कारक भी होता है। मन थोड़ा लंबे में चला जाएगा, मन जब इधर से मिलता है तो जब हम 81 पद में जाएंगे ना, तो इसको ज्यादा व्याख्या इसकी कर सकते हैं, पदों में कर सकते हैं इसकी व्याख्या। आप सीधा ये समझ लो कि ये वाली भूमि अच्छी नहीं होती है, ये वाली भूमि इससे ज्यादा अच्छी होती है, मगर और सभी प्रकार के भूमि से बुरी होती है ये वाली भूमि, दोनों टाइप की भूमि अच्छी नहीं होती। अच्छा एक काम करिएगा, मैं भी कर ही रहा हूं, और ये जो मैंने बताया है ना, ये मैंने पर्सनल बना के बताया, इसमें आप लोगों का जो अनुभव हो वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं से पता हो, कहीं पर देखा है आपने, एक जगह देखा है तो कुछ नहीं होता, मैंने 20-25 जगह देखा हुआ है, और बल्कि ज्यादा ही इनमें से तो ज्यादा देखा है, इसमें 10-12-15 देखा है, जितना देख सकता हूं उतना देखा है मैंने। और जरूरी नहीं है उनके यहां मैंने काम ही किया हो, नहीं भी किया है तो भी अगर मैंने देख लिया ना, तो वहां उसके बारे में पता कर लेता हूं, ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करके मैंने बहुत देखा हुआ है, बहुत लिख के भी रखे हुआ हूं। इसी रास्ते पे हूं तो मैं ज्यादा करता हूं ये सब। आपका जो अनुभव हो वो जरूर लिख दीजिएगा कि ये मैंने सही बताया था और इसमें मैं कहीं चूक गया, क्योंकि ये जो भूमि बढ़त जो की है ना, ये मैंने अपनी तरफ से की है, ये भूमि ऐसी होती है और ये वाली बढ़त ऐसी होती है, और जो ये वाली बढ़त है इन दोनों को आप हटा दो, अब जो ये वाली बढ़त है, ये जो नॉर्थ वेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको भी ले जाइए, इसको भी ले जाइए, ये अगर सीधी सीधी ऐसे नॉर्थ वेस्ट बढ़त वाली भूमि है तो ये भूमि एवरेज होती है, ये बुरी नहीं होती, ये इतनी बुरी नहीं होती जितनी एक एक साइड में बढ़ी हुई भूमि होती है। ये फिर यहां पर ये भूमि उतनी खराब नहीं होती, इन सबसे तो खराब होती है मगर इतनी खराब नहीं होती जितनी ये सब। देखिए ये जो नॉर्थ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि होती है ना, इधर बढ़ी हुई भूमि ये वाली जो होती है, अगर इसको स्टोर बना लिया जाए, किसी भी काम के लिए रख लिया जाए, ऐसा जिस जो स्टोर टाइप में काम होता है या जिससे हमें सपोर्ट लेना होता है बाद में, उस टाइम में जिस टाइम में हम बंद हो जाते हैं फिर उससे हमें काम लेना हो, उस टाइम में जिस टाइम में हम नहीं चल पाते और उसको चलाना हो, उस टाइम में ये भूमि अधिकतर काम आती है। मगर ये भूमि आपको ले तो वहां तक जाती है कि आप चलना बंद हो, बार बार आपको ये भूमि वहां तक ले जाती है कि आप चलना बंद हो और ये सपोर्ट दे और चीजों से सपोर्ट आए, इसलिए ये भूमि भी अच्छी नहीं होती। अगर ये भूमि किसी को मिल गई है तो ठीक हो सकती है, इसको आप स्टोर बना लो, ऐसी ऐसी चीजों को रख लो यहां पर जो सपोर्ट वाली हो, तो उसको और चीजों से सपोर्ट आना शुरू हो जाता है, ये उस टाइम में भूमि ठीक होती है।